करने पे कुछ माजरत ख्वाह भी हूं। मैं मुल्तान बेसिकली तीन मकासद थे आने के, कि एक तो आपके सामने है कि अब बाय इलेक्शंस हैं, वो हम इलेक्शन कमीशन की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल इस तरह से हो कि अपने हक़ रायदेही को इस्तेमाल करने के लिए एक फ्री इन्वायरमेंट हो, बिल्कुल डी वेपनाइज्ड हो। तो कल रात जब मैं यहां पहुंचा मुल्तान, तो तब एक बड़ा न्यूज़ पे शोर आ गया, इन पर्टिकुलर के एक सहाफी को गिरफ्तार किया गया है। तो तश्वीश थी कि सहाफती हलकों में भी इसके ऊपर बड़ी तश्वीश होगी, और ये भी तश्वीश थी कि एक ये भी आवाज उठेगी कि आजादी इजहार पर कदगन आई है। तो मैंने जब उनके फैक्ट्स लिए, उनके डिटेल्स ली कि उनके ऊपर मुकदमात क्या हैं, तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे, अभी मैं सुन रहा था कुछ दोस्त पीटीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो इस बात पे जिक्र कर रहे थे कि इन गिरफ्तारियों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, तो भले से आवाज उठानी चाहिए, जरूर उठानी चाहिए, लेकिन एक हार्ड फैक्ट है, उस कंटेंट को सामने रखना चाहिए। तो ये पहले हमें देखना ये है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी प्रोवाइड की हुई है, तो वो गारंटी किन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में ये बात तय है कि आपके पास ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है अंडर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है। फेयरली स्पीकिंग, मैं आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा मुकदम जानता हूं, और मैं ये समझता हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक जमहूरियत की बुनियादी एक उसकी इंग्रेडिएंट है। जब तक आप आवाज ना उठा सकें, जब तक आपको बोलने का हक ना हो, जब तक आपके इजहार राय के ऊपर पाबंदी की कोई भी सूरत मौजूद है, तो उसमें वो जमहूरियत के लिए कोई मुनासिब बात नहीं है। बट अप्रोप्रिएट थिंग इज कि आप पहले आर्टिकल 19 को देख लें कि आर्टिकल 19 जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट देता है वो क्या कहता है। आर्टिकल 19 क्लियरली सेज, उसका पहला प्रोवाइजो तो आपको हक दे रहे हैं, और साथ ही 19A आपको सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अब लॉ क्या है, यानी पीपीसी पाकिस्तान की ये कहती है कि अगर आप कोई भी ऐसा मवाद जो कि इनडिसेंट होगा, कोई भी ऐसा मवाद जो कि ऑब्सीन होगा, कोई भी ऐसा मवाद जो कि सिक्योरिटी के खिलाफ होगा, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ होगा, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के खिलाफ होगा, तो उसमें उसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात होकर, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर लॉ है, वो किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं है। तो ये जो कल साहब गिरफ्तार हुए इमरान रियाज, इनके खिलाफ एक मुकदमा है जो कि पीपीसी की दफा 121A के तहत है, और इनके खिलाफ लगभग 20 के खिलाफ डिफरेंट काउंट्स पे मुकदमात हैं, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल। अब आजादी इजहार क्या है, आजादी इजहार ये है कि आप अपनी बात बेलाग कहें। बेलाग बात कौन सी कहें, जिनकी आर्टिकल 19A रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड नहीं करती। अगर आपके कंटेंट से यह साबित होता हो कि आप जो बात कह रहे हैं वो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है, आप जो बात कह रहे हैं वो तनकीद से बियॉन्ड जाके आपके जाती एजेंडे को सर्व करते हुए पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठा रही है, या वो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को फ्रेंडली स्टेट्स के साथ किसी तरह से मुतासिर कर रही है, या वो इंडिसेंसी के जुमरे में आती है, या वो पाकिस्तान की सालमियत की और सिक्योरिटी के खिलाफ बात आ रही है, तो इन हालात में आप एक काबिले गिरफ्त जुर्म कर रहे होते। तो इमरान रियाज साहब के खिलाफ जो मुकदमा कायम है, उसमें उन्होंने एक अपनी वीडियो डाउनलोड की, उसको यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला, और उस वीडियो के कंटेंट्स क्या है,
वीडियो के कंटेंट्स ये हैं कि वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर अपनी एक राय कायम कर रहे हैं और उसमें वो रियासती अदारों के सरबराहान के खिलाफ भी अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। राय कायम करना उनका हक है, लेकिन अगर वो ये राय कायम करते हुए ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे, इसमें कोई एलिगेशन इस तरह से नहीं है जिसकी पॉलिटिकल नेचर हो, इसकी पूरी की पूरी उनके कंटेंट की अगर आप उसको पूरी तरह से उस एफआईआर को पढ़ेंगे तो वो उसके ऊपर रिप्रोड्यूस हुए हैं जो उन्होंने कहा है। उनका ये कहना कि ये पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बात पर और जो उन्होंने कहा वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल काबिले एतराज और वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है कि जिस पे आर्टिकल 121 स्टेट ये समझती है कि आर्टिकल 121 ए पीपीसी का सेक्शन 121 ए इसके ऊपर अप्लाई होता है और ये आर्टिकल 19 ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर प्रोवाइडेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के जिम्मे में आता है। तो अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज था। आपके इल्म में है कि उन्होंने कल रात से ये शोर मचाया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दरवाजे खुल रहे हैं। हमने अपना मौकफ कल रात को ही दिया कि वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं किए गए, उनको अटक से जो कि पंजाब की हदूद के अंदर फॉल करता है वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है और लाहौर हाईकोर्ट का जहां की ये ज्यूरिसडिक्शन है उनका हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। अगर होता तो हम अदालत की हुक्म अदूली कभी नहीं कर सकते, अदालत के हुक्म को हम बिल्कुल उसकी लेटर एंड स्पिरिट में उसके ऊपर अमल दरामद करते। अब जब यह सूरत हाल थी तो इसमें जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो रूल ऑफ लॉ एक चीज का नाम है, कोई शख्स भी अबव द लॉ नहीं है। अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, काबले गिरफ्त है, कॉग्निजेबल है, तो ये कोई एक ऐसी शख्सियत कि क्या उनके खिलाफ वो अबव द रूल ऑफ लॉ है, उनके खिलाफ पर्चा हो तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कतई तौर पर नहीं। वो आईन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और पाकिस्तान के मजवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो इस सूरत में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब अगर इसको ये रंग देकर कुछ लोग अपना सियासी तल्लुक दिखाना चाहते हैं तो हमें इस चीज के ऊपर कोई बात ढकी छुपी नहीं है। वी ऑल नो, हमें पता है कि उनकी एक जो पोजीशन होती है एक जर्नलिस्टिक पोजीशन होती है, मैं इस पर कोई कैद नहीं लगा सकता कि आप अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके उस पूरी बात से बायस रिफ्लेक्ट करता हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बने हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करते हो, आप उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों की इज्जतें उछालने का धंधा करते हो, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपकी जो भी इनपुट्स आती हैं, आप अगर एक जर्नलिस्ट की पोजीशन लेते हैं तो फिर आप एक पार्टी वर्कर की पोजीशन लेते हैं, ये दो अलग अलग बातें। अगर आप एज अ जर्नलिस्ट करते तो आपकी वो जो पोजीशन थी जब आपने पहले कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ ये वाकयात पेश आए कि उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल के तहत उस वक्त के गवर्नमेंट के तहत पर्चे दर्ज हुए, तो आपने जस्टिफाई किया और एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पर जस्टिफाई किया कि ये जस्टिफाइड एक्ट्स हैं, ये क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 19 ए की खिलाफ वर्जी की है, ये क्योंकि पीपीसी की सेक्शन 121 के जिमरे के अंदर आती हैं और ये जो है मामलात सेडिशन के और गद्दारी के आपने फतवे दिए उन जर्नलिस्ट के ऊपर, तो इसीलिए कल से जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो आपकी उस पोजीशन को और इस पोजीशन को रिलेट कर रहे हैं और ये जो आपने पोजीशन इख्तियार की है वो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए की, जो वो पोजीशन ले रहे हैं उस लाइन को आप टो कर रहे हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू इस्टेब्लिश दिस फैक्ट पाकिस्तान के अवामुन्नास के सामने कि हमें उनके साथ कोई जाती रंजिश नहीं है, लेकिन अगर वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के उन अदारों का जो कि टीवी के आगे आके बोल नहीं सकते, जो कि अपनी बात नहीं कर सकते, अब इनका वेट इतना नहीं है कि इनको इतना इस वक्त DGISPR आ जाए और वो आके इनका द वन हु इज पंचिंग अबव हिज साइज वो आके कहें कि ये बात जो कर रहे हैं गलत, ये तो एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का हम सब सुन रहे थे, ये इसकी खबर कोई आज हमें नहीं मिल रही। हमें पता था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो वो ममालिक हैं जिनकी एजेंसीज यहां पे काम कर रही हैं वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को अंडरमाइन करने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर जा बेजा इल्जाम लगाने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के इल्जाम लगाने। मैं तो हैरान हूं कि इमरान खान ने भी कल अपनी तकरीर में कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत अदारों की मदद से
हुकूमती असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात में जीतने की कोशिश कर रही है। मैं इमरान खान साहब से यह मुतालबा करता हूं कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो बताएं। आपकी यास्मीन राशिद साहिबा ने एक सेक्टर कमांडर के मुतल्लिक कहा कि वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो प्लीज लेकर आए। बार बार हम ये कह रहे हैं कि आप ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं और इस बुनियाद पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि आपको इलेक्शन के अंदर एक वाज़ह शिकस्त है। आपको इस बात का पता है कि अवाम के अंदर आपकी कोई पजीराई नहीं है। आपको इस बात का भी इल्म है कि आप पिछले 4 साल के अंदर जो मिस गवर्नेंस, नॉन डिलीवरेंस, बेरोजगारी, महंगाई, आपने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, आपने सियासी इंतकाम पर मबनी अपनी हुकूमत को कायम रखा और आपने अपने मुखालिफिन के खिलाफ पे दर पे ऐसे मुकदमात कायम किए, तो आज मैं हैरान होता हूं उन्हीं चेहरों से ये इंसानी हकूक की बातें सुनते हैं। हम तो इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, हम तो कहते हैं कि वी स्टैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट ये जो केस आज अगर इमरान रियाज का है और अगर ये लॉ के तहत काबिले गिरफ्त जुर्म है, अगर ये आइन के तहत आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, तो फिर उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं एक ऐसे पोजीशन के साथ जहां पर लोगों के साथ ज्यादती होती रही। आपने तो प्रोसिक्यूशन के नाम पे प्रोसिक्यूशन की। हमने उस वक्त आके आपके सामने सिर्फ ये कहा कि आप नाजायज मुकदमात कायम कर रहे हैं, आप हुकूमत के अंदर वो रविश इख्तियार कर रहे हैं बिला जवाब, बिला सबूत, बेबुनियाद मुकदमात कायम करके आप बिल्कुल ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगा रहे हैं। बट ये तो एक हार्ड फैक्ट है, ये तो वो केसेस हैं जिनकी एविडेंस है, इट इज अवेलेबल ऑन डिजिटल मीडिया। एक शख्स जो कि पाकिस्तान के रियासती अदारों को हदफे तनकीद बनाता रहे और अपनी फहमो फरासत के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक, उनको नहीं पता कि वो जो वो कह रहे हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कैसे डैमेज कर रहे हैं। ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, क्या इजाजत दे दी जाए? क्या कोई शख्स पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ तकारीर करता रहे तो उसको उनको इजाजत दे दी जाए इस चीज की? उनको ये हक दे दिया जाए कि वो जब चाहे एक्सक्यूज मी पार्डन, जब चाहे जैसे चाहे जिस तरह का मर्जी लाकर लोगों के ऊपर वो इल्जामात लगाने शुरू कर दे और वो उनके ऊपर कोई चेक ना हो?